कितनी खूबसूरत है ये स्टेशन। मौका हर किसी को नहीं मिल, तो रेलवे कॉटेज वगैरह बना, छोले भटूरे यहीं पे भी मिल जा रही है। इस ठंड में ना हल्की हल्की धूप का मजा। सात बजे की गाड़ी थी, पता नहीं अभी 7:15 होने को होगी, अभी तक निकली नहीं। फाइनली ट्रेन स्टार्ट मूविंग। आई थिंक ये ट्रेन की देखभाल करने या फिर रखने की कोई ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर। वाओ, इट्स लुकिंग सो गुड मैन, काफ़ी सुंदर है। मजा आने वाला है, सफर है यार, अच्छे हैं। करीबन 12:30 के आसपास पहुँचेगी ट्रेन ये शिमला जाके, तब तक तो बस आना, इस सफ़र का मज़ा लेता हुए जाऊँगा। मैंने नहीं सोचा था कि इतना एक्साइटमेंट होगा इस सफ़र में। अच्छा किया मैंने बस का सफ़र नहीं किया, क्योंकि बस में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ट्रेन पे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा ये डिसीजन काफ़ी अच्छा था कि मैंने ट्रेन चूज़ किया, और इतने मस्त सुबह सुबह की नज़ारा, एकदम मस्त फ्रेश हवा, मज़ा आ गया। ट्रेन के अंदर की माहौल भी कुछ हल्का ही है, ज़्यादा क्राउड है नहीं ट्रेन के अंदर पे, सिवाय गिने चिने कुछ है। ठंड है ना, ठंड में ये धीमी धीमी जो सूरज की रश्मि अपने ऊपर गिर रहा है ना, इससे मस्त मज़ा आ रहा है एकदम। तेरी, अरे यार देखो क्या मस्त है। सच में ये सफ़र मज़ा आ गया, शिमला वाले सफ़र मज़ा आ गया। अभी सिटी के अंदर जाने के बाद में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो देखना है। ये तो चलो ट्रेन के सफ़र तो मस्त रहा, मतलब अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी ऑलमोस्ट 4 घंटे की सफ़र बचा हुआ है। यार हाथ एकदम फ्रीज हो जा रही है, ठंड है बहुत, समझ में नहीं आता अंदर पे। जब सूरज की लाइट जो गिरते हैं ना अपने ऊपर, तब थोड़ा सा ठीक लगता है। वाह, वही पुराना ज़माना वाला फील आ रहा है यार, ट्रेन में से निकलते ही धुआँ। यार ये मज़ा नहीं आता आजकल की ट्रेनों में, ये जो मज़ा इसमें आ रही है। ट्रेन के वॉशरूम भी मस्त है, दिन गुजरी के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी है। कुछ एक स्टेशन है ये, मुझे ध्यान भी नहीं दिया स्टेशन का नाम क्या है।
काफ़ी खूबसूरत सा है ये अभी स्टेशन का प्लेस। आगे एक टर्मिनल भी है, तो हो इस ठंड में ना हल्के हल्के धूप का मज़ा लेते हुए अब काफ़ी मज़ा आ रहा है। कोटी स्टेशन है ये, आगे लिखा हुआ है इस कोटी स्टेशन का नाम। अच्छा होता है पहाड़ों में ऐसी छोटी छोटी ब्रेक लेना और एंजॉय करते हुए जाना। मुझे तो वाकई में सफर ये पूरा टायर्डनेस जो था ना, ये अमृतसर या फिर जहाँ भी घूमा हूँ यहाँ पे सभी ने टायर्डनेस दूर हो गया। एक्चुअली मैं पहाड़ों से हूँ तो पहाड़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है मुझे कहीं पे भी जाऊँ तो। और ये तो काफ़ी सालों बाद मैं ऐसे मतलब पुराने ज़माने वाले ट्रेन की मज़ा, और पुराने ज़माने वाले तो है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं ट्रेन की कंडीशन। आगे भी देख सकते हो, वाह इतनी अच्छे से बना के रखा हुआ है ना ये ट्रेन को, देख लो कितनी खूबसूरत है ये स्टेशन। ए यार यहाँ पे मज़ा आ गया यार यहाँ पे आने के बाद, क्यूट सा इतना सुंदर सा है ना पहाड़ी स्टेशन। आप कोल्ड तो है फिर भी एक अलग सा ही मजा आ रहा है सफर में। ये ट्रेन की आवाज है ना अलग ही फीलिंग आता है इससे। वाह आंखों को सुकून देती है सच्ची में बोलो ऐसा वाला सफर। कोई स्टेशन वगैरह आया होगा, पता नहीं रुकेगी या नहीं। वाह ये पुल भी मस्त है यार, यार यहाँ पे पता है हवा में भी इतनी मज़ेदार है। मैं सांस ले रहा हूँ ना यहाँ की जो खुशबू है ना, खुशबू में एहसास दिलाती है कि कितना नेचर है और कितना मतलब नेचुरल और प्योर है एकदम। कुछ भी मतलब अलग अलग जो शहर में होता है ना उस तरह का स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है एकदम, मतलब बस आँखें बंद करके मज़ा लो यार, सांस लेते हुए भी फीलिंग आती है। मेरे को कैमरे को रोटेट करने में इतना टाइम लग रहा है ना, हाथ पूरा फ्रीज हो गई है, बहुत कट शर्ट लगानी पड़ेगी इस व्लॉग में एडिट करते समय, पूरा हाथ जम गई यार, गिर गया तो कैमरा नीचे गिर जाएगी। भाई साहब एक बैठे हुए हैं आगे आई करते हुए, आगे और एक चैनल पे बने रहिए मेरे साथ इसी सफ़र में, आपको पूरा सफ़र दिखाने की कोशिश करता हूँ जब तक कैमरे की बैटरी में जान रहेगी। वो मंकीज, वो ये तो पूरे झुंड है फैमिली के साथ, मंकी देखने लगी डर के हमारे लटक गया।
फिर रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी, रुका देते यार, थोड़ा सा धूप धूप सेक लेते हैं, ठंड लग रही है भाई साहब। मेरी तो जवानी बन गई, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं ना, मैं बस नज़ारा देखते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे इतना सारा खजूर की पेड़ इतनी सारे दिख रहा है ना, हर जगह पे खजूर की पेड़ दिख रहा है। अभी समवेयर बोरंग बोल के कुछ जगह है, यहाँ पे आके ट्रेन रुकी हुई है। अब देख सकते हो यहाँ पे यार, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हो स्टेशन कितनी खूबसूरत है। ये रही हमारी ट्रेन, ये रहा मेरी बोगी। हर जगह यहाँ पे खूबसूरत है। चलिए आगे आपको मैं स्टेशन तक घुमा के लेके आता हूँ। अच्छा, छोले भटूरे यहीं पर भी मिल जा रही है। वाह, रे स्टेशन जस्ट वो टनल क्रॉस करने के बाद ही आई है स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत लगती है ऐसी जगह, कितनी खूबसूरत से बना के रखा है ना। सच बोल तो मजा आ गया। चलिए दूसरी ओर जाते हैं, दूसरी ओर से। ए हम लोग की फोटो खींच दो मोनी। ये और एक बड़ोग, बड़ोग है स्टेशन का नाम। वाओ, कोल्ड है ना इतनी, क्या बोलूँ। हाथ तो सुन पर जा रही थी रनिंग ट्रेन में जब मैं शूट कर रहा था। फिलहाल तो सनलाइट है, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे और घूम लेते हैं। अरे सुन, नीचे से ना वॉटरफॉल, इधर जाओ। कितना खूबसूरत रेलवे कॉटेज वगैरह बनाया हुआ है ये। चलो आगे तक नहीं जाते, फिर यहीं पर ट्रेन छोड़ के निकल जाएगी तो हो गई अपने कल्याण। क्या
क्या बेच रहे हो? मैगी। कैसी खूबसूरत वादियाँ हो, और आप मैगी के साथ में एंजॉय करें, तो ऐसी मौका हर किसी को नहीं मिलता। रियली डिलीशियस थिंग। माहौल ही कुछ ऐसी है कि ये अच्छा लगने लगा है यहाँ पे खाते हुए। अब देखो इधर हर तरफ पहाड़ी, ये मस्त ब्यूटीफुल सा ट्रेन, और यहाँ बैठे हुए मस्त मैगी का मज़ा लेते हुए। चलिए मैं मैगी का मज़ा लेता हूँ। कुछ स्टेशन है कांडाघाट का नाम का कोई स्टेशन है, तो चलिए पकौड़ा ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ये छोटे छोटे सा ब्रेक जो देती है ना, इसमें मज़ा आता है, थोड़ा सा धूप सेकने को मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठंडी ठंडी सड़कों से गुजरते हुए, मतलब रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए जब ऐसे स्टेशनों पर ब्रेक लिया जाता है ना, तो मज़ा आ जाता है। और ऊपर से इस तरह का स्टेशन की बात ही कुछ अलग है। अब देखो ना पूरे स्टेशन पे हर तरफ खूबसूरत सा नज़ारा, और काफ़ी क्लीन भी है स्टेशन, काफ़ी क्लीन है। ऊपर से मस्त चाय, अभी अभी पकौड़ा लिया मैंने। इधर तो सड़कें भी है, पहर होने को चली है, पता नहीं ये कब पहुँचेगी वहाँ पे। इतनी खूबसूरती है ना यहाँ पे, मैं अगर पूरे दिन भर भी लगा दूँ ना वीडियो बनाने में, तब भी ख़त्म नहीं होगा। पहाड़ी को देखो ना ऊपर से, और एक टनल आ गया, इतना सारा टनल्स है ना, एक ही बात में एक टनल्स आते ही जा रहा है। देखो कितना मस्त है, क्या बात है यार। एक दो तीन चार, चार फ्लोर है यार इसमें। वही तो फिर मैं क्या बोल रहा था पता नहीं चल रहा है, वहाँ पहुँचने के बाद मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ शिमला, मुझे कुछ भी पता नहीं है वहाँ के बारे में। पहुँचने के बाद मालूम करूँगा, फिर जाके एक्सप्लोर करूँगा जो भी रहेगा एक्सप्लोर करने के। अभी पहुँचने वाले आई थिंक कुछ ही समय बाद में, ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, ऑलमोस्ट एक घंटा लेट चल रही है ट्रेन, तो आई थिंक अभी कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं शिमला में। देखो टाउन दिख रही है यहाँ से,
फाइनली वी रीच शिमला। तो चलिए अभी उतरने का टाइम आ गया। मिलेंगे फिर, ठीक। चलिए उतर गए हैं फाइनली शिमला। तो स्टेशन वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी साफ सुथरा, क्लीन, शांत। थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। Place is awesome and good, yaar. तो यहीं पे देख चलो, मैं ले चलूं। नहीं हो जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चाचा जी मिल गए। तो चल ठीक। तो होटल बोल रहे हैं यहाँ पे 2 दिन का 1000 रुपीस में दे देंगे बोल के। अभी जाके देखते हैं होटल कैसा है। सही लगेगा तो रहेंगे, नहीं तो गाड़ी वाला 400-500 ले रहे। नहीं, आपने स्कूटी वगैरह भाड़ा ले लेंगे ना, हैं? स्कूटी वगैरह रेंट में ले लेंगे ना अपन घूमने के लिए। हाँ पहाड़ों पर। तो फाइनली पहुंच गए अपने रूम पे। चलिए आपको दिखाते हैं रूम। ये रही अपना रूम, अपना गैजेट हो रहा है यहीं पे चार्ज, यहीं पे है अपना सामान। ये रही जिसे कभी मैं यूज करता ही नहीं हूँ बेकार में, और अपना रहा ये वॉशरूम, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की सर्दियों में ये रजाई भी काफ़ी मोटी सी है, काम चलेगा अपना। यही मिरर बनने ठनने के लिए, और इसी के साथ साथ करते हैं ब्लॉक का यहीं पे एंड, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोने और निकलूँगा शाम को घूमने मॉल रोड। तो तब तक कीजिए नए ब्लॉग का इंतज़ार। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।